5 दिसंबर 2021 से हमने मिशन कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक शीतकालीन फाउंडेशन कोर्स की यात्रा आरंभ की। यह यात्रा थी भारतीय सिविल सेवा एवं रॉयल भूटान सिविल सेवा के 488 प्रशिक्षु अधिकारियों की, जिनमें 32% महिला प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल रहीं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अकादमी में अपने आगमन पर हमें डीसाइलोइजेशन का मंत्र दिया। 96th फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से इसी मंत्र को मूर्तिमान करने का उत्साहपूर्ण प्रयास किया गया। प्रभु सत्ता एवं अखंडता बनाए रखूंगा। फाउंडेशन कोर्स में 48% अधिक शैक्षणिक अवधि एवं विश्व स्तरीय शिक्षण पद्धति द्वारा रूल बेस्ड से रोल बेस्ड कार्य प्रणाली की नींव रखी गई। अकाउंटेबिलिटी एट योर इंडिविजुअल लेवल बट अकाउंटेबिलिटी वेरी मच एट द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट टू अटेंड टू इज द स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। जहाँ विलेज विजिट ने हमें विनम्रता, करुणा, सेवा एवं धरातल की सच्चाइयों से परिचित कराया, वहीं हिमालयन ट्रैक ने हमें अपने साथियों के साथ विषम परिस्थितियों का सामना करना एवं धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। आउटडोर एक्टिविटीज़ ने हमारे तन मन प्राणों में नवचैतन्य भरा। And in this spirit, I would like to conduct myself. Public service to me means a responsibility to be part of the nation as it navigates the trials and tribulations and rides the waves of the Amritkaal. अकादमी में बिताए यह 3 माह साक्षी रहे हम सभी के विद्यार्थी से कर्मयोगी बनने के पथ पर अग्रसर होने के। आज़ादी के अमृतकाल में हम सभी स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहे हैं, इस भाव के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ।